हेलो फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस 11th क्लास का चल रहा है, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। फोर पार्ट में पार्ट वाइज बना रहा हूँ दोस्तों, जिससे आपका एक सीक्वेंस बना रहे चैप्टर का। तो मैं पार्ट फिफ्थ ले रहा हूँ और पार्ट फोर्थ में मैंने आपको एल्जेब्रिक कॉम्प्लेक्स नंबर के एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन वगैरह ये सब बताया था, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डिवीजन, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूँगा। मैं बेसिकली दो तरह की प्रॉपर्टीज़ की बात करूँगा, एक तो एडिशन के लिए, ठीक है, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन के लिए। दो ही मेन काम में आती हैं इनको, बाकी सब्ट्रैक्शन वगैरह में इतना नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों उसको कंटिन्यू करें, उससे पहले मैं यही कहूँगा, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिए, ठीक है, वही आपके लिए ज़्यादा फायदा करेगा। क्लियर, कंटिन्यू करें हम लोग। दो प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने बोला है, पहले तो हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, और फिर फर्स्ट ईयर और सेकंड में पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। वो पार्ट सिक्स में पढ़ूंगा, क्योंकि इसमें ही अगर मैं उसको लेता हूं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एडिशन की बात करता हूं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी जो आती है वो आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी बोल दो, लॉ बोल दो, जो भी है। इसके अंदर क्या होता है, ये बोलता है कि भाई अगर टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं, अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेता हूं, कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उनका जो रिजल्ट निकलेगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही निकलेगा। क्लियर, मतलब जेड वन प्लस जेड टू में करूं तो इसका जो रिजल्ट आएगा, मतलब जेड वन एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा और जेड टू एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, तो रिजल्ट भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा, ऑब्वियसली आएगा। आप चाहो तो चेक कर लो, ए आयोटा B प्लस सी आयोटा डी, दोनों को ऐड कीजिए तो क्या होगा, A इंटू सी, रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ, ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए, तो ये जो नंबर हमें मिला ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है। क्लियर दोस्तों, तो ये है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लियर। अब सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है आपकी, फर्स्ट हो गया, सेकंड बात कर रहे हैं हम वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव क्या बोलता है कि दोस्तों दो नंबर्स लेते हैं, दो नंबर्स का सम करें हम, जेड वन प्लस जेड टू करें या फिर जेड टू प्लस जेड वन करें, मतलब इनके ऑर्डर को चेंज करके अगर मैं सम करता हूं तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं आता है, ये आपका क्या बोलता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हम इसको प्रूव कर लें, टू नंबर्स लेते हैं, जेड वन में सपोज लेता हूँ ए प्लस आयोटा बी, जेड टू में लेता हूँ सी प्लस आयोटा डी, ये हमारा जेड वन हो गया, ये जेड टू हो गया, अब दोनों को मैंने प्लस किया है तो रिजल्ट हमारा देखते क्या आ रहा है, ए प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस आयोटा बी प्लस डी, इमेजिनरी का इमेजिनरी के साथ, क्लियर। और ये इधर भी चेक करें, पहले मैं जेड टू ले लूँ, मतलब सी प्लस आयोटा डी को पहले लिख लूँ फिर ए प्लस आयोटा बी को लिखता हूँ, ठीक है, दोनों का इधर भी एडिशन करके देखें तो C प्लस ए आयोटा D प्लस बी, देखिए खाली क्रम चेंज है, बाकी दोनों को रियल पार्ट ये रहा आर ई और ये इसका रियल, इधर आई एम इमेजिनरी, इसका इमेजिनरी, दोनों को ध्यान से देखिए, A प्लस सी है यहाँ, C प्लस ए है, तो इसको A प्लस सी लिख सकते हो आप अच्छे से, प्लस इधर B प्लस डी है जबकि यहाँ D प्लस बी है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, B प्लस डी बी प्लस डी इसको लिख सकते हो या फिर डी प्लस बी दोनों लिख सकते हो, मतलब ये दोनों जेड वन प्लस जेड टू करो या फिर जेड टू प्लस जेड वन करो, दोनों आपस में रिजल्ट जो आएगा वो इक्वल आएगा, मतलब कि हमारा जो है एडिशन जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है दोस्तों, क्लियर। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन टू कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन जो है फॉलो करता है। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है वो आपकी आ रही है
थर्ड हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव में क्या है कि जैसा आप जानते हैं किन्हीं दो नंबर, थ्री नंबर्स लेता हूँ, सपोज जेड वन जेड टू और जेड थ्री, थ्री नंबर्स ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर में डिफरेंस है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स में रियल और इमेजिनरी दो पार्ट होते हैं, तो जेड वन सॉरी जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड थ्री ऐसे करूँ, या फिर मैं करूँ जेड वन को अलग रख दूँ, जेड टू प्लस जेड थ्री करूँ, दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आना चाहिए, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलता है। तो ठीक है भाई सॉरी कर लेते हैं इसको, जेड वन हमने एज्यूम किया ए प्लस आयोटा बी, जेड टू लिया मैंने सी प्लस आयोटा डी, इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ, फिर इधर जेड थ्री लिया मैंने ई प्लस आयोटा एफ। ठीक है, इधर भी वही चीज़ करने जा रहा हूँ, पहले इधर वाला कंप्लीट कर लेता हूँ, चलो ए प्लस सी प्लस आयोटा, इसको मैं ब्रैकेट में ले लेता हूँ, बी प्लस डी इमेजिनरी का, इमेजिनरी के साथ बी प्लस डी, ओके प्लस ई प्लस आयोटा एफ, अब इसका रियल होने हो जा रहा है, तो ठीक है रियल प्लस रियल, तो ए प्लस सी प्लस ई प्लस आयोटा, अब देखिए बी प्लस डी इसका इमेजिनरी प्लस एफ, यहाँ तक तो कोई डाउट है नहीं, इसको भी करें, जेड तो हमारा ए प्लस आयोटा बी है, जेड प्लस अब इसको लेता हूँ तो जेड टू क्या लिया था हमने सी प्लस आयोटा डी, ठीक है जेड टू प्लस जेड थ्री हमारा क्या है जेड थ्री ये है ई प्लस आयोटा एफ, क्लियर, चलो करिए सोल्व, तो क्या हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी प्लस रियल का रियल के साथ सी प्लस ई प्लस आयोटा बी प्लस एफ। ठीक है, अब इधर भी वापस प्रोसेस आ जाइए, रियल का रियल के साथ एडिशन, तो ए प्लस सी प्लस ई प्लस आयोटा बी प्लस डी प्लस एफ, एडिशन बहुत इजी है दोस्तों, तो देखिए दोनों सेम आ गया, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी ये फॉलो करता है, एडिशन ऑफ टू और थ्री और मोर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का अगर हम इस तरीके से सोल्व करें तो रिजल्ट सेम आएगा। ओके तो एसोसिएटिव क्लियर, नेक्स्ट बात करते हैं, आप इसकी जगह जो मैंने नंबर्स लिए हैं कि स्टैंडर्ड, उसकी जगह आप वैल्यूज भी ले लेके कर सकते हैं दोस्तों, और कहीं कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स करके पूछिएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी, अब उसके आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस, फोर्थ नंबर पे आ गई एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव एलिमेंट। तो एडिटिव एलिमेंट का क्या मतलब बताएं कि किसी, जैसे हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया जेड, ठीक है उसके अंदर मैं कोई ऐसा नंबर प्लस करूं जो वापस मुझे यही जेड लाके दे दे, मतलब वही नंबर लाके दे दे, तो इसके लिए क्या हो जाएगा जीरो। ठीक है, तो एडिटिव एलिमेंट जो हो जाएगा वो हमारे एडिशन के लिए जीरो होगा, जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं जीरो प्लस आयोटा जीरो, क्लियर, इसको ऐसे प्लस करो या फिर ऐसे करो कम्यूटेटिव वाले रूल के अकॉर्डिंग। तो चलो मैं एक पार्ट करके सोल्व कर देता हूँ, ए प्लस आयोटा बी प्लस जीरो प्लस आयोटा जीरो, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, सोल्व कीजिए दोस्तों इसको, तो क्या हो जाएगा ए प्लस जीरो प्लस आयोटा बी प्लस जीरो, सोल्व कीजिए आप, ए प्लस जीरो ए ही आएगा प्लस आयोटा बी प्लस जीरो बी आएगा, तो आप देख लीजिए ए प्लस आयोटा बी मतलब जेड ही मिल गया, मैंने जेड प्लस जीरो किया जेड ही आ गया। तो ये एडिटिव जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा एडिशन के लिए जीरो, या फिर बोल सकते जीरो प्लस आयोटा जीरो, क्लियर। अब इसी के अंदर आगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स के अंदर कि मुझे ऐसा एलिमेंट चाहिए जो जिससे मैं ऐड करूं एलिमेंट, मतलब ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर, एलिमेंट ना बोले ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे मिले, सपोज जेड टू मान लेता हूं कि इस जेड जेड के अंदर, या जेड लिख लो, इस जेड के अंदर जेड वन को प्लस करूं तो मुझे एडिटिव एलिमेंट क्या था मेरा जीरो वो मिल जाना चाहिए, जीरो का मतलब जीरो प्लस आयोटा जीरो आ जाना चाहिए, मुझे ऐसा कोई एलिमेंट मैं इसमें ऐड करूं।
ठीक है, तो एडिशन के लिए तो बहुत इजी है, कैसे जैसे प्रैक्टिकली तो a प्लस आयोटा बी, इसका इसमें क्या प्लस करें कि ये जीरो आ जाए, तो a में माइनस ए प्लस करूं, b में माइनस बी प्लस करूं, मतलब प्लस माइनस ऑफ जेड, यही इसी का नेगेटिव जो हो जाएगा वो हमारा जेड वन कहलाएगा, ठीक है। वही अगर मैं प्लस करूंगा तो ये आ जाएगा, करके देखता हूं मैं, माइनस जेड का मतलब ए प्लस आयोटा बी प्लस, नेगेटिव कर दो इसको, माइनस ए माइनस आयोटा बी हो गया। अब चलो भाई सोल्व करो इसको, तो ए माइनस ए रियल के साथ रियल, बी माइनस बी सोल्व कीजिए तो जीरो प्लस आयोटा जीरो, ये आ गया, समझ में आया। मतलब कि अगर मैं एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स की बात करूँ तो जो भी नंबर दिया हो, सपोज ये नंबर है, तो उसका क्या हो जाएगा, बार या कुछ भी बोलो एडिटिव इनवर्स, जैसे जेड, जेड लेता हूँ मैं, एडिटिव इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल हो गया माइनस थ्री माइनस आयोटा फाइव, या फिर प्लस माइनस आयोटा फाइव, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, ओके। इसमें प्लस करोगे यही वैल्यू आ जाएगी, ये चीज क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गई ना, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्लियर। अब इस तरह के क्वेश्चंस आप कीजिए, और कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हो तो डिस्कस कीजिए दोस्तों, ये छोटा सा है। अब मैं अगले वाले पार्ट में मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूंगा, तो आज के लेक्चर में इतना ही, क्लियर दोस्तों। पार्ट नंबर ये क्या है, फिफ्थ है, सिक्स्थ में आपका मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टीज चलेगी, ओके, थैंक यू।